अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के कस्बे में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देते हुए किराना थोक विक्रेता की दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल थाना खैर इलाके के कस्बे के मुख्य बाजार में मनोज कुमार एंड सन्स के नाम से किराना थोक विक्रेता की दुकान है, जहां आज सुबह बाइक सवार कुछ बदमाश आए और दुकान के अंदर प्रवेश करते ही तमंचे के बल पर गल्ले में रखे लाखों रुपए लूट ले गए। व्यापारी के मुताबिक गल्ले में एक पैकेट 1.5 लाख रुपए के अलावा और भी रुपए रखे हुए थे। इस लूट में करीब 1.5 से 2.5 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है। लूट की ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई तो मौके पर इलाका पुलिस पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई। एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार के मुताबिक लूट की रकम करीब 1.25 से 1.5 लाख के बीच बताई जा रही है। रोज की तरह मैंने सुबह 8 बजे की दुकान खोली, उसके बाद धीरे धीरे ग्राहक आ गए। करीब 9:30 से 10 के बीच में 3 लोग आए बाइक पर, उनके हाथ में पिस्टल थी। पहले 2 लोग ऊपर चढ़े, एक ने मेरे ऊपर, एक ने मेरे बेटे के ऊपर पिस्टल तान दी और कहा चुपचाप बैठे रहो। तीसरे ने गले की दोनों तीनों रखे खोली और एक थैले में पैसे रखे, वो थैला प्लस जो आज की दुकानदारी थी गले में से सारे पैसे लेकर के तीनों तमंचे जो है हवा में लहराते हुए और भाग गए। करीब कितना कैश हुआ? कैश कितना हुआ? टाइम 9:30 से 10 के बीच। कैश कैश पैसे कितने होंगे जो गले में? 1.5 से 2.5 के बीच का थी। मनोज सिंघल जी, उनका एक किराना का दुकान है, उन्होंने एक लिखित कार्य सूचना दी है कि उनका जब दुकान खोले थे लगभग 9:30 से 10 बजे करीब में तीन बदमाश आए। उन्होंने उनको फोर्सफुली उनके दुकान में घुसे, उनको तमंचा दिखा करके कुछ पैसा था, पैसा लेकर चले गए। इसके संबंध में थाना खैर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो उन्होंने हुलिया बताया, हुलिया के हिसाब से चेकिंग कराई जा रही है। सस्पेक्ट के बारे में कुछ हमारे पास क्लू मिले हैं, जल्दी हम इसमें गिरफ्तारी करते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही लूट का खुलासा कर दिया जाएगा। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।